वेलकम दोस्तों। जैसा हर आदमी की उम्मीदें जितनी ऊंची होगी वह आदमी उतना ही बड़ा और ऊंचा हो जाएगा। हम सबको सक्सेसफुल बनना है और हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए यह सीखने की ज़रूरत सबको है। इसमें सबसे पहले आपको आपके गोल सेट करना ज़रूरी है और गोल सेट होने के बाद में आपको आपके सम विचारी और आपसे जो लोगों के विचार मिलते हैं उन लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करके उनके साथ में काम करना चाहिए और आपके एनर्जी जैसे और भी लोग जैसे आपके साथ में आएंगे तो आप एक मास्टरमाइंड बन जाएंगे और अपने बिजनेस को तुम बड़े ऊंचाई पे ले जा सकते हो। आपको एक एम सेट करना पड़ेगा और उस एम के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और वही स्ट्रेटेजी को सोचना पड़ेगा और उसी स्ट्रेटेजी पर आपको काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। पावर और एनर्जी हरदम एक ही लाइन में चलती है। जैसे एक कथा है कि एक बूढ़ा आदमी था और उसको 7 बेटे थे और वह बेटे आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वह बूढ़ा आदमी बिजनेसमैन वह टूट चुका था कि अभी इनका क्या करें। तो एक बार उसने एक आइडिया लड़ाई और एक लकड़ी का बंडल उनके सामने रखा और उनको बोला कि जो भी इस लकड़ी को बंडल को तोड़ेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो उसमें सबने एक एक बार ट्राई करके देखा लेकिन किसी से लकड़ी का बंडल नहीं टूटा। फिर उसने वो लकड़ी के बंडल को खोला और एक एक लकड़ी अलग कर दी और उनको एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए बोला, तो उन लड़कों ने वह एक एक लड़की तुरंत तोड़ डाली। तो जब साथ में सब लकड़ियाँ रहती है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसी तरह यदि हम सब साथ में मिलकर कोई काम करते हैं तो बहुत ही बड़ा काम हो सकता है और लोग हमारा फायदा नहीं उठा सकते। यदि हम अलग अलग होके अकेले कुछ काम करते जाएंगे तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आपका मकसद सफल करने के लिए आपके जैसे ही लोगों को ढूंढिए, फिर धीरे धीरे आप कामयाब हो जाएंगे। तो इनिशियली तो हमें हर काम करने का डर लगता है और हम शर्मिंदा रहते हैं कि जैसा ये काम हमसे होगा कि नहीं होगा, तो इसी सब उलझन में हम पड़े रहते हैं और डर के कारण कोई काम नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग यह डर और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से ही कुछ काम को करना छोड़ देते हैं और कोई आसान रास्ते पे चलते हैं। तुम जितना बड़ा चैलेंज लेंगे, जितना बड़ा तुम कठिन काम करोगे, उतना ही तुम सफल बन जाओगे। कुछ लोग इतने डरते हैं कि वह काम करने के पहले ही अपना सब हथियार डाल देते हैं और ये काम मुझसे नहीं होगा, ऐसे उम्मीद छोड़ के काम करना ही बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप कितना भी कमज़ोर हो और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, लेकिन यदि आप कोई बात ठान लेते हैं तो 100% आप कामयाब बन सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप होना भी ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आप उसे डेवलप कर लीजिए। आप उन लोगों को ढूंढिए जिनके अंदर बहुत जोश भरा है और वह अच्छे से मार्केटिंग और आपके प्रोडक्ट को बेच सकता है। ऐसे लोगों से मिलिए और फिर धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे मिलियनेयर बन सकते हैं।